बोला मुझे पहचाना? मैंने बड़े गौर से देखा, मेरा हंस करके बोला कपिल अंकल। बोला हाँ, वो पायलट बाबा थे, उन्होंने मुझे बोला जल्दी बाहर निकलो, हम बात कर रहे हैं सरकार से, तुम हमारे साथ चलो। बोला आप पूजा पाठ करो, मैं आपकी मदद करूँगा, पर मेरे को साधु नहीं बनना, मैं अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, पर एक काम करूँगा। इतनी कथा मेरी व्यथा, वो इसलिए मैं धर्म ग्रंथों के अंदर कभी उतर नहीं पा रहा, उन्हें पढ़ना भी नहीं चाह रहा। मैं कहता था कितने वर्ष बीत गए, भागवत करते करते होते होते सुनते सुनते देश बदल गया क्या? हर घर में रामायण, हर गांव में राम मंदिर, कि राम का चरित्र हम आपके साथ कर पाए क्या? तो मैंने अपना एक सिद्धांत बनाया, एक ऐसा धर्म का अनुसंधान हो जो कि हमारे रिसर्च के आधार पर, हमारी खोज के आधार पर हो और हमारे अनुभव के आधार पर, यानी कि धर्म का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। बुढ़िया ने तिलक लगाया, तिलक का क्या महत्व है ये हम जनता को बता पाए, इसलिए कि राम ने लगाया हम लगा लें, तिलक हमारे केंद्र बिंदु पाइनियल ग्लैंड, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथियां है जिसको संचालित करता है, आज्ञा चक्र को जागृत करता है, यहां सब पे हाथ रखा, ये हमारे शस्त्राजार को जागृत करता है। ये अनुसंधान के बाद में जब धीरे धीरे मालूम पड़ा कि हमारा सनातन धर्म उच्चतम विज्ञान है जो कि आज का आधुनिक विज्ञान उसके सामने छोटा बच्चा है, हमारे सनातन धर्म के हर एक कर्म के अंदर उच्च शक्ति विद्यमान, उसको जागृत करने की प्रक्रिया है हमारा कर्मकांड। यदि